पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन का सीधे संवाद। इस निमित्त पूरे प्रदेश के 5 प्रमंडल में संगठन का प्रवास हो रहा। मैं भी यहाँ एक संगठन के कार्यकर्ता के हैसियत से उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा कार्यकर्ताओं में बसती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और यही कारण है इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य से कार्यकर्ता भी शिखर पर पहुंच सके, और उस कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद हो, ये पार्टी ने तय की। और उस निमित्त आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मैं सबसे पहले जो कार्यकर्ताओं के सुझाव आए, जो हमारे विपुल पूर्ति जी ने सही बात कही कि हमारा प्रवास गांव में या शहरों में जो जिला और मंडल के अधिकारियों को नियुक्त की जाती है वो प्रवास नहीं करते, और प्रवास नहीं होने के कारण जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं वो भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए जो विपिन पूर्ति जी ने सुझाव दिए, यहाँ एक एक बैठे कार्यकर्ताओं को सुझाव को अमल करने की जरूरत। जितना प्रवास करेंगे उतना उस क्षेत्र की समस्या और उस क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां आपके ध्यान में आएगी। जो विरोधियों के द्वारा भ्रम प्रचार कर गुमराह करके अपनी राजनीति रोटी सेकने वाले दल के बारे में आपको जानकारी हो, सिर्फ शहरों में हम राजनीति करते रहे तो ये झारखंड, असली झारखंड गांव में बसती है। और जब तक गांव में हमारी पार्टी की पहुंच और जहां जनजाति क्षेत्र में, जब तक हर पंचायत में जनजाति नेतृत्व खड़ा नहीं होगा, तब तक जनजाति क्षेत्र में हमारी पार्टी की जनाधार नहीं है। यह अक्षरशः इस बात को आप सभी अंकित करें, और इसीलिए पार्टी ने ये तय की कि जहां जनजाति क्षेत्र है उस जनजाति क्षेत्र में जनजाति प्रभारी नियुक्त कर, सह प्रभारी आप गैर आदिवासी को साथ में लगा सकते, लेकिन जनजाति क्षेत्र में हमारा जनजाति ही उस पंचायत का नेतृत्व करे, ये चिंता संगठन को करने की जरूरत। जो बात रतन बोदरा जी भी कहे, झूठ फरेब की राजनीति, यही अगर आप 70 साल की राजनीति को देखें झारखंड में, कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड नामधारी पार्टी, ये लोगों को सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति कर कांग्रेस 60 साल से ज्यादा देश में शासन, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आप याजित बिहार में कभी लालू जी के साथ शासन में थे। क्यों चाईबासा पीछे है यार, क्यों आदिवासी समाज पीछे है? ये बात गांव के लोगों को आपको बतानी है। जब तक ये बातें हम लोगों को नहीं बताएंगे तब तक लोगों की समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत सदल सरल सीधे होते हैं, उनको कोई भी गुमराह कर सकता है। इसलिए इस राज्य में अब झूठ और फरेब की राजनीति विपक्ष ना करे, इसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है।
तीसरा एक सुझाव आए पटमदा से कि शिकायत हमारे पास भी आई और इसलिए हमने विभाग को आदेश दिया 75% स्कीम जरूर जो जीते हुए जनप्रतिनिधि उनके अनुशंसा पर हो, लेकिन 25% भूमि संरक्षण का तराफ का राजनीतिक दल और विशेषकर जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के नेता के सुझाव पर आपको भूमि संरक्षण का तालाब लेना, इसलिए पटमदा के क्षेत्र में या फिर राज्य के किसी क्षेत्र में हम फिर से सचिव को यह डायरेक्शन देंगे कि बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता 25% में भूमि संरक्षण जनहित में अगर तालाब का काम आपको सुपुर्द करता है तो आप सेंक्शन करके काम करने का काम करें। ये निर्देश निश्चित रूप से राज्य स्तर से जाए। दूसरा, पुटका के जो प्रभारी वो पुराना इतिहास बता रहे थे, इसलिए मैं उनको बुलाया। अभी जो जिला के द्वारा प्रभारी नियुक्त किया वो जाते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी के जो जिला प्रभारी नियुक्त है वो जाते हैं। उनका एक और महत्वपूर्ण सुझाव था, उन्होंने ताली बजा के हंस के निकल गए। झंडा, अपने घर में हमें झंडा फहराने में क्या दिक्कत है? क्या शर्म की बात है? क्या डर की बात है? एक गांव का अदना सा कार्यकर्ता पार्टी की कितनी बड़ी बात की। इसलिए आज हम तय करके जाएं कि अपने अपने घर पे हम झंडा जरूर भारतीय जनता पार्टी का, और पैसे वाले हैं तो घर के पास अपने नेम प्लेट भी निकल लिखाओ। ये समाज में सम्मान मिलेगा। जिस तरह सरकारी दफ्तर में डीसी का चेंबर में लिखा रहता उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम, तो आपके घर के पास लिखा रहा है अमुक दत्ता मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इससे उस गांव में माहौल बनता, जो सक्षम कार्यकर्ता वो अपने घर में तो वोट लगा सकता है ना, तो कितना दिन में लगेगा कोल्हान क्षेत्र बताओ? एक सप्ताह में जो जिला का ऑफिस बेरियर है, जो मंडल के ऑफिस बेरियर है, जो हमारे मंच मोर्चा के ऑफिस बेरियर है, अपने घर में झंडा के साथ साथ नेम प्लेट लगाने का काम जरूर करो। मैं बीच बीच में घूमूंगा, सबको देखूंगा किसके यहाँ नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट करके व्हाट्सअप करो संगठन मंत्री को, ताकि पार्टी के पास आए कितने लोग नेम प्लेट अपने अपने द्वार पर लगाया। इससे गांव हो चाहे शहर हो, एक माहौल बनेगा, क्योंकि 2019 पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक है। अक्टूबर नवंबर से पूरा देश चुनाव के मूड में चला जाएगा, फिर विकास का काम भी प्रभावित, और हम लोग भी हर बार में जैसा तैसा बूथ कमेटी बना के पार्टी को कोरम पूरा करना। और इसीलिए झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एडवांस प्लानिंग, हर काम एडवांस, सरकार में भी हमें एडवांस प्लानिंग। आपने देखा 23 जनवरी को देश का पहला राज्य का बजट झारखंड, ये जो 2 महीने का गैप है था, अभी 2 महीने के अंदर जितनी बजट में पास हुई उसकी प्रगति स्वीकृति टेंडर, ताकि अप्रैल से जमीन पे काम शुरू हो। उसी तरह संगठन का काम भी एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, और उसी एडवांस प्लानिंग के तहत लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और संगठन मंत्री जी पूरी विस्तार से संगठन का नब्ज को बताने का काम किया। तो भैया इधर से सुन के इधर निकालने के लिए नहीं बताया, कोई नोट उठ किया आप लोग? कोई नोट नहीं किए होंगे, इधर से सुना शाम तक भूल जाओगा। इसीलिए हमने अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री से कहेंगे कि जितनी चर्चा संगठन के सुदृढ़ करने के लिए, वो सारा लिखित जिला मंडल अध्यक्ष और पंचायत प्रभारी के पास जाए, क्या क्या काम आपको करना।
कल युग है, क्या युग है, सतयुग है कल युग है। अब कल युग में संगठन में ही शक्ति है और शक्ति से ही सत्ता है। अगर आप कमजोर हैं तो कोई दुनिया में नहीं पूछने वाला, अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया आपके कदमों में रहे। और आज आप सबके मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव दुनिया में किसी पार्टी को प्राप्त है तो है भारतीय जनता पार्टी। ये आपकी मेहनत से 11 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी आपके बिना परिश्रम के ये कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो जब हम दुनिया की बड़ी पार्टी हो गए और जैसा कि संगठन मंत्री जी ने कहा कि संगठन के मामले में भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी झारखंड का संगठन रोल मॉडल बने। वाय कैसे यहाँ के संगठन के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित होकर, पार्टी के ध्येय के प्रति समर्पित होकर, पूरी ईमानदारी से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता तो हमारा धर्म है पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करें। ये ठेनिष्ठा पार्टी के हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए और इसीलिए पार्टी ने पंचायत प्रभारी और सह प्रभारी, शहर में भवन प्रमुख और वार्ड प्रमुख लेने। दूसरा सुझाव है एलपीजी गैस कनेक्शन 2011 का सेंसस के आधार से झारखंड में 28 लाख गरीब बहन को एलपीजी गैस। झारखंड पहला राज्य चूल्हा, कोई राज्य चूल्हा नहीं देता।